किसान संघ राजस्थान प्रदेश जोधपुर प्रांत जिला किसान सम्मेलन बालोतरा जिला बालोतरा आज तारीख 4 अक्टूबर 2024 को विश्नोई समाज समरी रोड से रवाना होकर जिला कलेक्टर बालोतरा को ज्ञापन देने के लिए पैदल चलते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें में किसानों की मांग लेकर कलेक्टर ऑफिस पर जाकर अपनी मांगों पर कलेक्टर को अपनी समस्या रखेंगे। किसान यूनियन के अध्यक्ष मनोहर सिंह टापरा, तहसील अध्यक्ष मनोहर सिंह टापरा, सचिव अखाराम चौधरी किटनौर, प्रांत अध्यक्ष दिलाराम जी, प्रदेश कार्यकर्ता हरिराम चौधरी, विश्नोई समाज समदरी रोड से किसान कार्यकर्ता रैली निकालकर कलेक्टर बालोतरा को अपनी मांगों पर विचार करे। बजरी अवैध खनन नहीं हो, दो सुअर जानवरों खेती बाड़ी को नष्ट कर रहे, तीन किसानों की बात सुनने वाले नहीं, पांच लाइट की समस्या भयंकर, छह पिछले साल का मुआवजा नहीं दिया गया वो मिले, किसान संघ ने ज्ञापन सौंपा, हमारी मांगे पूरी करो। अखाराम चौधरी किटनौर ने बताया, किसान दुखी है, किसानों को नुकसान होता है, कोई आगे नहीं आता है, किसानों की समस्या सरकार को कलेक्टर सरकार को बताएं, हमारी समस्या का समाधान करावे, नहीं तो किसान मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। जगाराम चौधरी मोटाराम सोसाइटी अध्यक्ष, तहसील सदस्य कानाराम धुनिया, तलाराम और अम्बाराम और चिन्नाराम दानाराम मदर उप चौधरी किटनौर जवाराराम और भी किसान यूनियन के मेंबर थे। न्यूज रिपोर्ट नरेंद्र दवे बालोतरा। ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद।